बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। दोस्तों, ऐसा है कि कई दोस्त जिनके पास 125 है उनके साथ अक्सर मसला बच जाता है कि ये जो इसका कार्बोरेटर का, दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये कार्बोरेटर का, यहाँ पर ये ना जेट लगा होता है, इससे पेट्रोल की जो एडजस्ट वगैरह होती है ना इस जेट से होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये काफ़ी दफ़ा तकरीबन ये ना लूज़ हो जाता है, लूज़ होने के बाद ये गिर जाता है। कई दफ़ा ये गाड़ियों के साथ 125 के साथ मसला बन जाता है। तो इसकी अभी आपको आवाज़ भी चेक करवाते हैं, जब ये गिर जाता है तो इसकी आवाज़ कैसी आती है। ये आप सुन रहे हैं, ये आपने सुनी कि ये जो इसकी ना मतलब स्टार्टिंग के बाद जब ये जेट गिरा हो दोस्तों, तो जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी इस तरह से सांस लेती है, गाड़ी की सुख सुख की आवाज़ आती है और गाड़ी जो बिल्कुल स्लो भी नहीं खड़ी होती। तो ये वजह बनती है यही जो जेट है हमारा, ये मतलब कि गिर जाता है उसके वजह बाद जो हमें ना परेशानी बनती है। तो दोस्तों, ये अभी जेट लगाते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसे किस तरीके से रोक सकते हैं गिरने से। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि कई दफ़ा होता है जैसे ये जितना ये पेज स्टार्ट होता है उतना मतलब कि गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पीता है, जितना ये लूज़ होता है उस हिसाब से इसकी जो पेट्रोल की एडजस्टमेंट होती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी जो एडजस्टमेंट है ये तकरीबन इसमें तकरीबन 8-10 चूड़ियाँ हैं, तो मतलब कि भाई ये 2-3 चूड़ियाँ ऊपर रहती हैं तो वहाँ पर इसकी पेट्रोल की जो एडजस्टमेंट है वो बेहतर रहती है। तो उससे ये होता है कि गाड़ी की पेट्रोल वगैरह नहीं पीती, लेकिन ये है कि जो 2 चूड़ियाँ या 3 चूड़ियाँ लगी होंगी तो ये लूज़ रहेगा बीच में। लूज़ रहेगा तो जहरी बात है जब गाड़ी स्टार्ट होगी या हम मतलब कि स्पीड में जा रहे होंगे या गाड़ी को रेस देंगे तो गाड़ी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट के बाद ये जो जेट है वो अक्सर खुल जाते हैं। तो इसका हमने सोचा कि चलो आज इस पर वीडियो बनाएं और आपको बताएं इसका हल क्या करना है। सबसे पहले इसको जेट को लगाते हैं वापस। इसकी जो एडजस्ट है उस हिसाब से इसको हम लगा देंगे। इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है, वो वैसे पहले से ऑलरेडी इसमें मौजूद है। हमने कर लिया स्टार्ट, इसकी पहले एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों, हल्की सी रेस बढ़ाएंगे। रेस बढ़ाने के बाद ये जो मिक्सचर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइट किया था इसको लूज़ करते जाएंगे, जहाँ मतलब इसको इसकी हमें जो एडजस्ट है वो ठीक दिखाई देगी वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद इसकी थोड़ी सी रेस कम कर लेते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि जैसे पहले गाड़ी स्टार्ट थी वो जेट खुला हुआ तो गाड़ी सांस ले रही थी और गाड़ी स्लो नहीं खड़ी होती थी, अब बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट स्लो भी खड़ी है और जो सांस वगैरह है वो भी नहीं ले रही। अच्छा, ये अभी आपको दिखा दें यहाँ पर, ये दोस्तों ये लगा हुआ जेट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ना यहाँ तकरीबन ये 4-5 चूड़ियाँ हैं जो नीचे हैं, तो सिर्फ एक दो चूड़ियाँ जो 3 चूड़ियाँ हैं वो सिर्फ अंदर गई है। अच्छा, ये रेस देने से और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी मैं हिला रहा हूँ, ये लूज़ भी है। तो इसको अभी करेंगे क्या, तो दोस्तों ये जो चाइना मोटरसाइकिल होती है जैसे ये 125 है इनमें ये जो हेड की ना वाल सील डलती है ये वाली, तो हम करेंगे क्या, एक पुरानी किसी भी मैकेनिक से ये हम वाल सील ये वाली ले लेंगे। तो इसको लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इस जेट के आगे लगाएंगे उससे ये होगा कि ये जो इसका पेट्रोल जेट है ये गिरेगा नहीं। तो यहाँ दोस्तों ये जो हमारा जेट है इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ऐसी जो वाल सील है ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। और इसको हल्का सा ऐसे पेचकस की मदद से हमने इसको ऊपर कर देना है ताकि ये जो हमारा जेट है ये गिरे ना।
ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ गौर करें इस तरीके से हमने ये जो वाल सील है ये लगा देनी है दोस्तों। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये जो हमारा जेट है ये कभी भी नहीं गिरेगा। और यहीं हम इसकी अगर जो हमने एडजस्ट वगैरह करनी है यहीं पर इसकी हम इसकी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी इसकी कर ली है तो इसको छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा बस आज का इतना सा काम था। तो जी तो दोस्तों ये आज का हमारा काम था। हमने सोचा कि जैसे क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं, शौक़ रखते हैं अपनी मोटरसाइकिल का खुद ही काम करने का, तो उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। आप सब दोस्तों गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।